ये देखिए मोहम्मद कितना अच्छा। तो हम जा रहे हैं खेत में मध निकालने के लिए, मैं, मेरे पापा और दोनों भांजे। तो हम जा रहे हैं खेत में ये, और ये देखिए हमने साथ में इसमें टिफिन भी लिया है। और देखिए हम कोतेड़े से होकर के जा रहे हैं, और ये देखिए इस तरफ डांगर। और भांजे दोनों आगे, अब ये पीछे जा रहे हैं। देखिए डांगर कितनी हरी भरी है। इस तरफ जाना है, देखिए पापा आगे जा रहे हैं। और ये देखिए खाकरे का पेड़ है, और यहाँ पे सुबाबुल का पेड़ है, और ये बीच में बोरड़ी, और इस तरफ है मध। देखिए बच्चे तो वहाँ पे खेलने लगे, और पापा अभी मध काटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए स्वेटर तो पहन लिया, और यहीं पर है, देखिए पापा अभी गए हैं। यहाँ पे देखिए यहीं पर कुआं है, आपको नहीं दिखेगा, अभी दिखाती हूँ मैं। ये रहा मद। देखिए तो पापा ऐसे भी निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया, मुंह पर भी बांध लिया है। देखिए पापा अभी अंदर जा रहे हैं मद निकालने के लिए। अब मैं पापा को टिफिन दे देती हूँ। अब मैं यहाँ से थोड़ी दूर खस जाती हूँ, क्योंकि मधुमक्खी के मंखोड़े वो काटने लगते हैं, इसलिए मैं दूर आ गई हूँ। अभी थोड़ा और दूर चली जाती हूँ। और देखिए पापा वहाँ पे निकाल रहे हैं, और मैं टिफिन भी साथ में लेके आई हूँ। पापा कह रहे हैं कि दाल की वो ऐसे ही उसको काट करके ले आता हूँ, ऐसा कर। तो अभी पापा निकालने के लिए गए थे, तो मक्खियाँ काटने लगी थी, दौड़ने लगी थी, तो इसलिए पापा वापस आ गया है। और अभी बच्चों को हमने घर पे भेजा है दातरा डालाने के लिए, और फिर डाली को हम काट लेंगे, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों की राह जो रहे हैं। और जब दातरड़ा आ जाएगा तो हम फिर से मध काटेंगे, डाली काट करके मध निकालेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए इस तरफ है, और हम यहाँ पे बैठे हैं लिमड़ा के छाये के नीचे। और ये देखिए लिमड़े का नीम का पेड़ है, नीम। और यहाँ पे देखिए ये सारे गेहूं के खेत है यहाँ पे। तो देखिए अभी बच्चे भी आ गए हैं, वो बड़ा सा धारिया लेकर के, ये देखिए। तो अभी पापा डाली, पूरी डाली काट के लाएंगे, तो हम तो यहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ काटने के दौड़ेगी, तो इसलिए हम तो यहाँ से थोड़े दूर हो जाएंगे। और ये देखिए पापा ने हाथ में ऐसे ही थैली पहन ली है। पापा मुंह बांधो कि नहीं। अब बच्चों को वहां पे बैठने के लिए कह रही हूँ, तो वहां पे जाकर के बैठो, मैं आ रही हूँ। आओ बावड़िया कन भबू।
के पापा अभी जा रहे हैं हाथ में धारिया लेकर के, तो अब मैं भी वहाँ पे जा करके बैठूंगी और पापा भी वहाँ पे है, तो इसलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ क्योंकि मक्खियाँ काटने को दौड़ेगी, तो इसलिए तो वो पापा लेकर के आ रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं। अभी मैं पापा को टिफिन दे देती हूँ। देखिए पापा आ गए हाथ में मत लेकर के, ले कर इसे इसे हरा कड़ी का है पर यहां से जो ये देखिए यहाँ पे मध को रख दिया है। ये पूरी डाली निकाल के लाए हैं। अभी टिफिन में हम ले लेंगे इससे मध को। चुबा बुल की डाली है ये, उस पर बैठे हैं। तो ये देखिए मध को निकाला पापा ने, एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम टिफिन में ले लेंगे। देखिए अभी टिफिन में निकाल रहे हैं पापा। ये देखिए मुंह कितना अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए इतना सारा टिफिन में हमने निकाल लिया है और अभी भी है डाली में। और ये देखिए बबलू तो पूरी डाली ही ले ली और इसमें हमने निकाल दिया है। ये देखिए इतना सारा मठ सोई खा जाए पकवान देखो। ये देखिए तारी आते लिख नहीं आते, और बबलू ही तो पूरी डाली ले ली। अब हम ये मत खाएंगे। और यहाँ पे ये पूड़ा है मधुमक्खी का, ये देखिए, और इसमें से हमने मध को निकाल दिया है। ये देखिए अभी इसमें मधुमक्खियाँ ये है अभी भी, देखिए। और ये देखिए हमने मधुमक्खियाँ का पूड़ा उठा लिया है, देखिए, और अभी भी यहाँ पे मक्खियाँ घूम रही है, देखिए। तो अभी इसको हम यहाँ पे वापस से रख देंगे और फिर घर पे चले जाएंगे। देखिए कितने सारे मक्खियाँ हैं इसमें। तो आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए अब हम घर पे जा करके इसका मध खाएंगे और इससे मीन वो सब बनता है। तो अभी इसको हम वापस से यहाँ पे रख देंगे और फिर से मधुमक्खियाँ इसमें मध रखेंगी।